फाइनल अकाउंट्स में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों आया कि आप डर गए, कुछ डरना नहीं है, सिंपल सी एक बात सुननी है, अगर फाइनल अकाउंट्स में करंट और कैपिटल दोनों दिया है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। तो सर ये कैपिटल को हम क्या करेंगे, ये कैपिटल को हम वैसा का वैसा बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख देंगे और हम लोग कौन सा लेजर बनाएंगे, पार्टनर्स करंट। तो पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो भी करंट कैपिटल अकाउंट में आता था वो अब करंट अकाउंट में आएगा। जैसे अगर सैलरी टू पार्टनर्स है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। जो जो एक ही लाइन बोलूंगा, जो जो कैपिटल में आता था वो करंट में आएगा। डेबिट में कैसे आ सकता है, टू ड्रॉइंग्स आ सकता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ सकता है। अब जैसे नेट प्रॉफिट मिला तो कैपिटल अकाउंट तो हम नहीं बना रहे, हम कौन सा अकाउंट बना रहे, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट को टैली करेंगे क्रेडिट माइनस डेबिट और टू बैलेंस क्रेडिट और ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो करंट और कैपिटल आया तो एक ही टैगलाइन याद रखना, जो जो कैपिटल में आता था वो करंट में आएगा। हम कैपिटल अकाउंट बनाने वाले नहीं है, हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल वैसा का वैसा बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे।